दिनांक 16 मई 2021 को शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से पब्लिश कराई गई है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप भी एक स्टूडेंट हैं। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। यूपी टेट परीक्षा के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, डीएलएड 2021 में प्रवेश प्रक्रिया कब से प्रारंभ की जाएगी, और एक आयोग का गठन जो यूजी और पीजी लेवल के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा गठित किया गया था, उसके द्वारा परीक्षा या फिर प्रमोट पर क्या कुछ फैसला लिया गया है। साथ ही बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अन्य खबरों के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे। पीएनपी यानी परीक्षा कराने वाली संस्था के एक अधिकारी कि अनऑफिशियल स्टेटमेंट की बातों पर अगर विश्वास किया जाए, ये हालांकि अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियली तरीके से ये बातें निकल करके आ रही हैं कि यूपी टेट 2020 के लिए एक नया प्रस्ताव शासन के पास भेजा जाएगा अगले महीने शासन के पास एक बार फिर से डिटेल में प्रस्ताव भेजा जाएगा। और परीक्षा के क्रम में ये सूचना निकल करके आ रही है कि सितंबर माह में परीक्षा यूपी टेट 2020 के लिए कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अब बात करेंगे डीएलएड 2021 में प्रवेश प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीएनपी के द्वारा शासन को ये प्रस्ताव भेजा गया था कि जैसे विगत वर्षों में डीएलएड में एडमिशन मेरिट के आधार पर होता था, अब उसको हटा करके प्रवेश परीक्षा जैसे कि बीएड में होता है उसी के आधार पर डीएलएड 2021 में प्रवेश लिया जाए। अब उसका सिलेबस क्या होगा इसको लेकर के मंथन चल रहा है, और पीएनपी ने फिर से शासन के पास प्रस्ताव भेज करके एक डिटेल्ड सिलेबस के जानकारी के लिए उनसे अनुमति मांगी है। तो हो सकता है कि इन सबके बाद से जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं तो जुलाई माह में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है पीएनपी के द्वारा। और प्रदेश सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से ही जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको डीएलएड में एडमिशन का मौका दिया जाएगा। हालांकि ये एक सिर्फ छलावा ही है, इससे फ़ायदा बस ये होगा कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको जो सरकारी कॉलेज होते हैं डायट होते हैं उनमें एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि अगर सभी अभ्यर्थियों की योग्यता की अगर बात की जाए तो इसमें योग्यता तब तक नहीं आएगी, चाहे बीएड की बात कर लीजिए चाहे बीटीसी की बात कर लीजिए, जब तक आप मिनिमम कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर लिखित परीक्षा के माध्यम से आप देखेंगे बीएड में भी एडमिशन होता है तो 0 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को भी एडमिशन दे दिया जाता है। यहाँ पर कम से कम आप एक कट ऑफ सेट करिए कि 30% या फिर 35% से ऊपर पाने वाले अभ्यर्थियों को ही एडमिशन मिलेगा, तब तो आप योग्यता की बात करें तो समझ में आता है। लेकिन 0 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को भी अगर एडमिशन दिया जा रहा है तो यहाँ पर कोई भी लिखित परीक्षा करा लीजिए या फिर मेरिट के आधार पर करा लीजिए, कोई भी योग्यता की बात नहीं होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का एक तरीके से पीएनपी या फिर प्रदेश सरकार के द्वारा चीज़ें चलाई जा रही हैं। अब बात करेंगे यूजी और पीजी लेवल की परीक्षाओं के परीक्षा और प्रमोट पर जो फैसला करने के लिए एक कमेटी का आयोग गठन किया गया था, उनके द्वारा ये रिपोर्ट निकल करके आ रही है। अभी बातें पूरी तरीके से फाइनल नहीं है, लेकिन ये बातें निकल करके आ रही हैं कि इस वर्ष भी अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाएगा। तो इसमें एक समस्या ये आ रही है कि मान लीजिए जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली होगी वहाँ पर एक सेमेस्टर की परीक्षा तो हुई होगी पिछले वर्ष, कम से कम एक सेमेस्टर की परीक्षा तो हो चुकी होगी, लेकिन जहाँ पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली है वहाँ पर पिछले वर्ष अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया गया था। तो अभी मतलब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी अगर फर्स्ट ईयर में होगा और इस वर्ष सेकेंड ईयर में आ गया, फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट किया गया और सेकेंड ईयर में प्रमोट का आधार क्या बनाया जाए, क्योंकि उसके पास कोई परीक्षा का आधार ही नहीं है। पिछले वर्ष भी वो प्रमोट हुए थे और इस वर्ष भी प्रमोट किया जाना है। और अगर वहीं सेमेस्टर प्रणाली होगी तो कम से कम एक सेमेस्टर की परीक्षा जरूर हुई होगी, तो उस सेमेस्टर की मार्क्स को आधार बना करके अभ्यर्थियों को प्रमोट करके मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन जहां पर वार्षिक प्रणाली है वहां पर ये समस्याएं निकल करके आ रही हैं। हालांकि अभी 7 दिन में इस आयोग को शासन को अपना पूरा रिपोर्ट बना करके भेजना है कि क्या कुछ आधार बना करके अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जा सकता है। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो स्थगित हुई हैं उस पर यूपी बोर्ड का स्पष्ट ये कहना है कि अभ्यर्थी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द ना माने, बोर्ड के छात्र जारी रखें अपने एग्जाम की तैयारी, क्योंकि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है तो यूपी बोर्ड के द्वारा स्थगित परीक्षाओं के लिए फिर से तिथि का निर्धारण करके परीक्षाएं ली जाएंगी। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस स्थगित हो गई थी, दिनांक 20 मई 2021 के बाद से अब सभी ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग को छोड़ करके अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर से बॉक्स में, तो जो भी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं या फिर उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े यूजी पीजी से संबंधित अभ्यर्थी हैं, अब उन सबकी 20 मई 2021 से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर दी जाएंगी। आप लोग इसके लिए तैयार रहें। अब बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश में अभी प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं इसको जानने के लिए एक आरटीआई के माध्यम से अभ्यर्थियों के द्वारा सूचना मांगा जा रहा है, और लगातार अभ्यर्थी ट्विटर के माध्यम से सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 11 मई 2021 को ट्विटर के माध्यम से अभ्यर्थियों के द्वारा नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जल्द जारी करने के संदर्भ में एक ट्विटर अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 1,20,000 से ज़्यादा ट्वीट अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए थे। वहीं उसके बाद से 2 दिन बाद 13 मई 2021 को भी ट्विटर अभियान के माध्यम से लगभग 2.25 लाख
ट्वीट्स अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए थे और आज दिनांक 16 मई 2021 को भी एक ट्विटर हैशटैग चलाने की बात निकल करके प्रकाश में आ रही है कि अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से प्रदेश सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि यूपी टेट के पहले ही एक नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाए। और आज का हैशटैग अभ्यर्थियों के द्वारा ये बनाया गया, हैशटैग योगी जी नोटिफाई एसटेट। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थीं आज दिनांक 16 मई 2021 की। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।